भगवान शंकर पार्वती को कह रहे कि हे पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पूजा गुरु के चरणों की है और फिर मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। कई लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, दो महीने उसका जाप करेंगे या छह महीने जाप करेंगे, फिर जब किसी से सुनते हैं ना तो दूसरे गुरु भी बहुत बड़ा मंत्र देते हैं, आ बीज मंत्र, उससे कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, आ तो वो भी मंत्र आप ले लो। तो वो लोग भटक जाते हैं, वो दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, उनसे भी मंत्र लेते हैं। अरे गुरु एक होता है, और जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है वो एक कवच है। क्या है? कवच है, बोलना हरिओम। पहले राजे महाराजे जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो कवच पहन के जाते थे ना, कि कोई शस्त्र कोई अस्त्र हमारे पर लगे ना, हम सुरक्षित रहें। और कोई भी अस्त्र शस्त्र चलता था तो कवच के ऊपर आता था, शरीर को चोट नहीं लगती थी। तो ऐसे ही जो गुरु मंत्र है ये एक कवच होता है, हमें कवच मिल जाता है। जहां भी हम जाते हैं गुरु मंत्र को अपने हृदय में धारण करके उसका कंटिन्यू जाप करते हैं तो वो कवच बन जाता है हमारे ऊपर। नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, हाँ नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो व्यक्ति बैठा है उसके पास कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी उसके पास नेगेटिविटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास बैठा होता है उसके पास इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है, चाहे वो कुछ भी ना बोले लेकिन फिर भी हम उसकी नेगेटिविटी से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब हमारे मन की शांति बिगड़ जाती है, हमारा मन अशांत हो जाता है। और जब वो बोल लेता है तब तो और ज्यादा हमारे मन में अशांति हो जाती है, और ज्यादा हमारा मन अशांत हो जाता है, और फिर कई दिनों तक उदास ही रहते हैं, चिंतित ही रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं हम। तो यदि गुरु मंत्र हमारे हृदय में होगा तो हम जहां भी बैठेंगे, बड़े से बड़ा कोई नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा वाला है, हमारे ऊपर वो हैवी नहीं होगा, हाँ उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कवच है गुरु मंत्र का, गुरु शब्द का,